मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विद मराठी मानूस। अभी मैं खड़ा हूँ नागपुर मुंबई आउटर रिंग रोड पर और अभी हम जाने वाले हैं मिहान की ओर, जो नागपुर के लिए एक जॉब प्रोवाइडिंग एरिया है। देखते हैं कौन सी कंपनियाँ वहाँ पर है और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत बड़ा ये कैंसर का अस्पताल रहने वाला है। अब ये जो आपको दूर दिखाई दे रहा है, ये है जामठा स्टेडियम, जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। दोस्तों, अभी हम वहाँ पहुँचे हैं मिहान के पास और आप देख रहे हैं नागपुर यहाँ से 13 किलोमीटर, एयरपोर्ट 8 किलोमीटर और स्टेज मिहान जो है वो जाता है लेफ्ट साइड में। यह है नागपुर वर्धा रोड और मैं अभी आया हूँ वर्धा रोड से। मिहान का मतलब है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एट नागपुर। यह जो मिहान है दो पार्ट से बना है, जिसमें एक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर का और दूसरा है ये जो आप देख रहे हैं सेज मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें बहुत सारी कंपनियां और रेजिडेंशियल एरिया मिले हुए हैं। चलिए चलते हैं सेज की तरफ। राजे छत्रपति शिवाजी महाराज उड्डान पुल करके यहाँ से हमें जो लेफ्ट वाला जो रोड जा रहा है, ये रोड से जाना है मिहान की तरफ। अगर आप नागपुर की तरफ से आते हैं तो आपको अपने लेफ्ट वाला, उधर से आते वक्त लेफ्ट वाला रोड पकड़ना होगा और उसके बाद इस उड़ान पुल पे आपको आना पड़ेगा मिहान की तरफ जाने के लिए। चलिए फिर। आप देख रहे हैं यह है खापरी का मेट्रो रेलवे स्टेशन। और यह मिहान की रेसिडेंशियल कॉलोनीज है। सेज मिहान लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया। ये जो आप देख रहे हैं ये है डब्लू बिल्डिंग। डब्लू के आकार जैसी ये बिल्डिंग है, इसे डब्लू बिल्डिंग कहा जाता है और ये यहाँ से मिहान का इंटरनल गेट चालू होता है।
दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी भी ये प्रोवाइड करती है। आपको यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं HCL कंपनी के पास। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अगर आप कोशिश करें तो यहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। इन कंपनियों के बारे में सर्च करके आप यहां के जॉब अपॉर्चुनिटीज पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये है अभी नई नई बनी एक कंपनी द्राल करके, जिसका नाम आप देख सकते हैं, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। हवाई जहाज के पार्ट यहाँ बनते हैं। इसके पीछे आप एयर इंडिया की कंपनी देख सकते हैं, उसी से अटैच है ये। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, पतंजलि। कंपनी है दोस्तों, स्मार्ट डाटा इंटरप्राइजेस करके। और भी बहुत सारी कंपनियां इस मिहान प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगर आप यहां पर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कंपनियों के बारे में सर्च करके आप यहां पर आ सकते हैं। इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास हमेशा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल रहती है। तो आप यहां आकर सर्च कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज होंगे वो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो देखते रहिए ट्रैवल विथ मराठी मानूस।